चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ढेचा की रेसिपी लाई हूँ। तो ढेचा महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस रेसिपी है, जो आप फास्ट फूड में वहाँ पे महाराष्ट्र में अगर आप खाने जाएंगे ना, तो बड़ा पाव या बर्गर जो भी खाते हैं, आपको उस समय आप ढेचा ज़रूर मिलेगा खाने को। वहाँ आप बड़े से बड़े होटल में भी पहुँच जाएंगे तो आपको ढेचा ज़रूर मिलेगा खाने को। तो ढेचा कैसे बनता है उसकी मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर देखिए और ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये घंटी का बटन है ना, इसको क्लिक कर दीजिए। इससे कोई भी नया वीडियो डालते हैं तो उसको आपको तुरंत अपडेट मिल जाता है कि हाँ नहीं, एक वीडियो आ गई है नई। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके, सारे इंग्रेडिएंट्स बताते भी जाएंगे कि क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले हरी मिर्च, देखिए इसको अच्छे से धुल के पोंछ के इसके डंडी को निकाल के, इस तरह से बड़ी बड़ी मिर्ची है तो आप इसको कट कर लीजिए। कट कर लेंगे तो ये पीसने में बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसे हमें पानी के साथ नहीं पीसना है, ये एकदम अलग सिस्टम से पीसता है। इसको हम अभी आपको आगे बताएंगे। थोड़ा सा देखिए धनिया की पत्ती भी हमने ले लिया है, यहाँ पे थोड़े मूंगफली के दाना है एक चम्मच। तो चलिए बनाते हैं, हम आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा चम्मच हमने सरसों का तेल डाला। आप सरसों का तेल अगर यूज़ करते हैं तो करिए, नहीं जो भी तेल खाते हैं उसके साथ बनाइए, नहीं तो देसी घी में बनाइए। ये देखिए अब इसको डालने के बाद हमने एक छोटा चम्मच राई डाल दिया, यानी काली वाली जो सरसों आती है, पतली वाली महीन वाली, उसको हमने डाल दिया। इसको हम क्रैकल हो जाने देते हैं, यानी ये थोड़ा सा फटने लगेगा। और हाँ, ये फटता है तो इसका छींटा पड़ता है, आप इसे ध्यान से करिएगा, नहीं हो तो साथ में एक हाथ से ढक्कन लगा के करिए। और इसमें देखिए हम यहाँ पर 2 से 3 पिंच हम यहाँ पर डाल दिए हींग, यानी हींग वाला जो पाउडर आता है उसको हमने यूज़ किया है। तो इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, टेस्टी भी लगता है। यहाँ पे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ डाल दिए हैं, और यह हरी मिर्च हमने कट करके रखा था ना, इसको भी डाल दिया। अब इसे सॉटे करना, यानी इसे हमें हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाना है, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब तक इसे सॉटे करेंगे। लेकिन इसे कवर करके, आप ध्यान दीजिएगा, कवर नहीं करेंगे तो मिर्ची है बहुत ऐसे चटकती है इसके बीच जो होते हैं। तो इस तरह से देखिए हम इसको कवर करके कर रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से करिएगा। ये देखिए कवर करके हम इसको बीच में चला भी रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से मिर्ची जब डालते हैं ना ऑयल में तो चटकता है। तो इस तरह से देखिए आप इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे मूंगफली। तो हमने जो मूंगफली लिया है ना, इसको भी सॉटे करना है, थोड़ा सा ये भुन जाएगा, थोड़ा क्रंची हो जाएगा, तभी इसको जब पीसेंगे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, और इससे जो स्पाइसी मिर्ची है ना, इसका जो तीखापन है ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी तीखा बहुत नहीं लगेगा, मज़ेदार लगेगा। ये देखिए धनिया की पत्ती इस तरह से डाल के अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ये नॉर्मल हो जाए फिर हम इसको पीसते हैं। तो आपको बताएंगे किस तरह से इसको पीसना है। तो ये देखिए ठंडा हो गया, मिक्सी के जार में हमने डाल दिया है। अब इसमें हम टेस्ट के लिए डाल दे रहे हैं नमक, 1/2 स्पून यहाँ पे नमक यूज़ कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हमें पीसना है दरदरा, यानी इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, इसे हल्का सा 2 राउंड पीस चलाएँगे, उसको हम दिखाएंगे आपको। अगर आपके पास कलबट्टा है तो आप उसमें पीस सकते हैं, उसमें और भी बढ़िया मज़ेदार बनता है, क्योंकि हमें दरदरा कूटना होता है इसे, तो आपके पास अगर कूटनी है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। नहीं मिक्सी के जाने बहुत आसानी से, देखिए इस तरह से हमने 2 राउंड किया, ये देखिए दरदरा इस तरह से पिस गया। तो ऐसे ही दरदरा बनाना, ये हमारा ढेचा बनके बिल्कुल तैयार। ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है, इसे कोल्हापुरी चटनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये फास्ट फूड में आपको ज़रूर मिलेगा महाराष्ट्र में, अगर आप मुंबई साइड में जाएँगे, कोल्हापुरी रेसिपी है ये। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। ये चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको बनाया और ट्राई किया तो आपको कैसे लगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको आप दबा दीजिए। उससे कोई भी नया वीडियो जब हम डालते हैं ना, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ एक नई वीडियो आ गई है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमें फीडबैक अपनी ज़रूर दीजिएगा। पसंद आई है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करिए, लेकिन फीडबैक अपना देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।